गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. बेटा वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 17 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. इसका हमने प्रोविजन वाला पोर्शन कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिजर्व्स. अब प्रोविजन क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया. प्रोविजन क्या होता है, इट इज क्रिएटेड फॉर अ नोन लाइबिलिटी बट जिसका अमाउंट अनसर्टेन होता है, जिसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है, राइट यही होता है प्रोविजन. उसके बाद रिजर्व्स मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सर्प्लसेस. रिजर्व क्या होता है, हम कहते हैं ना जी रिजर्व रखा हुआ है हमने, तो रिजर्व रखा हुआ है मतलब अलग से रखा हुआ है, कल को जब जरूरत पड़ेगी तो वो निकालेंगे. यही अकाउंट्स में रिजर्व होता है हमारा और कुछ डिफरेंट नहीं होता. सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सर्प्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीटअप करने के लिए जब साइड में आप कुछ पैसा अलग से रख लेते हो अपने प्रॉफिट्स में से निकाल कर, दैट इज नोन एज योर रिजर्व्स. ओके, रिजर्व्स मीन्स द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सर्प्लसेस विच आर नॉट एनमार्क इन एनी वे टू मीट एनी पर्टिकुलर लाइबिलिटी नोन टू एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. लेकिन जिसपे कोई नाम नहीं है कि हमने ये जैसे हम प्रोविजन के केस में था कि हम निकाल कर रख रहे थे, तो हम रख रहे थे कि दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. हम नाम से रख रहे थे जी इस चीज में है, ये इसके लिए है प्रोविजन. बट रिजर्व जब हम क्रिएट करते हैं तो रिजर्व एज सच किसी लाइबिलिटी के लिए नहीं है, किसी एयरमार्क नहीं है किसी की लाइबिलिटी पे, किसी लाइबिलिटी पे कि इसी के लिए हमने यूज करना है उसको, ठीक है. वो हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं. अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व्स. एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं हमारे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं. डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ओके, तो ये हम देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिजर्व्स क्या होते हैं. इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट्स. जो कंपनी हर साल प्रॉफिट अर्न कर रही है, नेट प्रॉफिट जो आपका निकलता है सारे खर्चे इनकम सब प्लस माइनस करने के बाद, अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है, जो आपका नेट प्रॉफिट निकल रहा है, उसमें से आप रिजर्व्स को अलग से कुछ रखते हो. मान लो आपने 100 रुपए कमाए तो आपने 50 रुपए अलग रख दिए या 20 रुपए आपने अलग रख दिए, दैट इज योर रिजर्व. एंड एज सच द रिजर्व्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. पढ़ाई है हमने पहले बिजनेस में, जिन अर्निंग्स को हम रिटेन कर रख लेते हैं, जिन अर्निंग्स को हम अपने पास बचा कर रख लेते हैं अपने पास साइड में कि जी इसको हम यूज करेंगे बाद में, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं हम रिजर्व्स को. ओके, सो क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी. ये लीगल नेसेसिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, लॉ नहीं बना हुआ है इस चीज का कि आई हैव टू क्रिएट रिजर्व. इट इज ड्यू टू माई विलिंगनेस आई एम क्रिएटिंग टू जस्ट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज आई एम क्रिएटिंग दिस रिजर्व. इट इज क्रिएटेड वॉलेंट्रली फॉर स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड फॉर मीटिंग एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर. ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आए तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, उसके लिए आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो अलग से रख लेते हो. ओके, नॉर्मली इट इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बट फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर. मतलब क्या है, इट इज मेड फॉर मीटिंग एन अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर. इट इज फॉर द अननोन लाइबिलिटी. प्रोविजन इज फॉर योर नोन लाइबिलिटी एंड रिजर्व इज फॉर योर अननोन लाइबिलिटी. रिजर्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड एज सच दे बिलोंग टू द प्रॉपर्टीज जस्ट एज कैपिटल डज. इसीलिए जैसे आपके कैपिटल में अदरवाइज प्रॉफिट होते हैं, वैसे ही उसी का ही कुछ कुछ पार्ट है. दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स. आपको एज शेयर होल्डर्स के बीच में, एज अ डिविडेंड के बीच में भी बांट सकते हो आप. When the amount of reserve is invested in outside securities, it is known as reserve fund. जब आप अपने amount of reserve को outside securities, बाहर से कहीं shares वगैरह में कहीं पे invest कर रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं reserve fund. Okay, purpose और importance of reserves क्या होते हैं, किस लिए हम reserve को create करते हैं. It helps in meeting unforeseen liability. Unforeseen liability, future में अगर कोई liability arise होती है तो उसकी payment आपके लिए इजी हो जाती है अगर आप रिजर्व बनाकर रखोगे तो. अनफोर्सिंग लाइबिलिटी को मीटअप करने में हेल्प कर रही है. हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रही है. क्यों, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो, क्योंकि एकदम से अगर कोई बर्डन आया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ सकता है. रादर देन दिस आप पहले से एक रिजर्व बनाकर रख रहे हो फॉर अनसर्टेनिटीज, अगर लॉस होगा भी तो आप उससे निकाल सकते हो. इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर्स, ताकि अगर एक साल मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा आया तो ऐसा नहीं है सारा का सारा मैं डिविडेंड के फॉर्म में बांट दूंगी, मैं कुछ अपने पास रख लूंगी अलग से.
ताकि अगले साल या कभी आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट कम होगा मेरा, किसी साल अगर कुछ ऐसा हुआ मतलब अनसर्टेनिटी ऐसी या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टांस हुआ, तो उस केस में मैं अपना वहां रिजर्व से निकालकर एटलीस्ट शेयर होल्डर्स को तो खुश कर दूंगी, उनको तो डिविडेंड फिर भी दे ही दूंगी मैं, ठीक है। तो डिविडेंड्स का इक्वलाइजेशन हो जाता है कि ऐसा नहीं कि हर किसी साल आप ज्यादा दे रहे हो, किसी साल बहुत कम दे रहे हो। आपने रिजर्व मेंटेन किए हुए हैं, किसी साल अगर प्रॉफिट कम भी है तो आप उन रिजर्व्स में से निकालकर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकते हो। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी, इट इज फॉर स्पेसिफिक लाइबिलिटी। समटाइम्स अ रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज भी होता है कई बार, जैसे इन केस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। पता है क्या होता है, जब आप डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करते हो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना भी 15 साल, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो। मान लो 5 साल के लिए मैंने डिबेंचर्स इशू किए, उसके बाद उनको रिडीम भी करना होगा, उनको रीपे करना होगा 5 साल बाद। अब रीपे करने के लिए वो लमसम पैसा मुझे चाहिए होगा, तो चाहिए होगा तो क्या करती हूँ मैं, शुरू से ही ना एक अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। हर साल प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें डालती रहूंगी ताकि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए, जो फंड्स आपको चाहिए, वो आप वहां से निकाल सकते हो। पैसा निकाल कर आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो उसको, या मेरे पास वो पैसा आइडल रखा रहेगा, ठीक है मैंने उसको यूज करना है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, बट वो आइडल रखने से बेटर है मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूं, ताकि जितना मैं बचा रही हूं थोड़ा उससे ऊपर और मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी तो कहीं से इनकम भी जनरेट होगी, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए भी हमारे रिजर्व्स बनते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या होते हैं, हमारे दो होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व में भी आगे दो टाइप होते हैं, योर जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। बेटा मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि व्हेन यू आर लुकिंग एट द वीडियो तो आप साथ में अपनी बुक्स भी खोल कर बैठते हो, ओके, बिकॉज दैट विल बी इजियर फॉर यू। टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। अब हम देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है और उसमें आगे कौन कौन से होते हैं। उसमें भी रेवेन्यू में भी हमारा जनरल होता है और स्पेसिफिक होता है। अब देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ प्रॉफिट व्हिच हैव बीन अर्न्ड इन द कोर्स ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। रेवेन्यू है जो डे टू डे आपके ऑपरेशन से आपने पैसा कमाया, उससे आपने रिजर्व बनाया। देयरफॉर द रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं हम रेवेन्यू रिजर्व को, एंड एज सच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और जो कि अवेलेबल होते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, रेवेन्यू रिजर्व जो है वो दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व तो होता है वो जनरल पर्पज के लिए, मतलब कोई भी अगर आपकी अनसर्टेनिटी आई, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जहां पर किसी रेनी डे में, रेनी डे क्या होता है, अननोन सिचुएशन कोई अराइज हो गई, बारिश आ गई एकदम से और छाता नहीं है, तो ये छाते का काम करेगा जनरल रिजर्व आपका, कि आप उससे अपने आप को अनफोर्सीन लॉसेस से अपने आप को बचा सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बनी रहेगी इसकी हेल्प से, क्योंकि आपने अलग से पैसा रखा हुआ है जिसमें आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया जनरल रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है जब आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही रिजर्व बना रहे हो, लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। मतलब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वालिटी आ जाती है डिविडेंड में, कि किसी साल अगर प्रॉफिट ज्यादा था तो मैंने ज्यादा दे दिया, अब अगले साल मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो गया तो मुझे कम देना पड़ेगा, कम दूंगी तो मेरी मार्केट में नाम खराब होगा मेरे कंपनी का, तो बेटर है कि मैं रिजर्व्स बनाकर रख लेती हूँ, रिजर्व्स में से मैं थोड़ा सा प्रॉफिट निकालूंगी, थोड़ा सा पैसा निकालकर डिविडेंड तो एटलीस्ट शेयर होल्डर्स को बांट दूंगी, शेयर होल्डर्स को तो खुश कर दूंगी जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा है। ओके, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, मैंने आपको डेप्रिसिएशन में भी बताया था कि मशीनरी अगर मैंने 10 साल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मशीनरी चलेगी, तो वो 10 साल के लिए मैं क्या करूँगी, हर साल प्रॉफिट का कुछ कुछ पार्ट मुझे पता है कि 10 साल बाद मेरी मशीनरी की वैल्यू ये रह जाएगी, या 10 साल बाद इसका जो यूज है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो मुझे नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी पड़ेगी तो एकदम से अगर करोड़ों की मशीनरी या लाखों की मशीनरी खरीदनी है, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो मैं क्या करती हूँ, शुरू से ही अपना अलग से प्रॉफिट का कुछ कुछ पार्ट अलग रखना शुरू कर देती हूँ अपने प्रॉफिट में से, ताकि मैं को 10 साल बाद जब पैसे की ज़रूरत हो, या 5 साल बाद जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो, तो मशीनरी मैं इजीली परचेज कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पे कर रखी है, अब इन्वेस्टमेंट है तो फ्लक्चुएशन भी होगी, शेयर मार्केट में कर रखी है मान लो, फ्लक्चुएशन होती है क्योंकि शेयर मार्केट में है ही टोटली स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब
सट्टेबाजी। अब टोटली अगर आपकी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव मार्केट है ये, तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस भी आएंगी। फ्लक्चुएशंस आएंगी तो उसके लिए भी आप एक रिजर्व बना कर रखते हो कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट का जो शेयर का, मान लो मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा लो चला गया, मैं तो लॉस में आ जाऊंगी, मैंने तो पैसा ज्यादा लगा रखा है। तो उसके लिए मैं अलग से एक रिजर्व बनाकर चलती हूँ कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट का रेट डाउन भी हुआ तो वहां से पैसा निकाल लेंगे हम। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, तो वर्कमैन की फैमिली को, उसके वर्कमैन को मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो एकदम से वो खर्चा मेरे ऊपर बर्डन आए, बेटर है कि मैं अलग से एक फंड बना लेती हूँ जिसको मैं वहीं पे ही लगाऊंगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब आता है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था हमने पढ़ा रेवेन्यू रिजर्व, ये सारा जो हमने पढ़ा था ये रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट था। रेवेन्यू रिजर्व में दो चीजें थी, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो जनरल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक रिजर्व जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे एसेट रिप्लेसमेंट के लिए, डिविडेंड देने के लिए, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व। इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व आर ऑल्सो अर्न्ड इन द बिजनेस फॉर मेनी सोर्सेज। लाइक अगर आपको प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो हम उठाकर कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। उसके बाद है आपका प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस। आपने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा है, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, वो भी आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। मतलब कैपिटल से रिलेटेड रेवेन्यू रिजर्व था, छोटे मोटे डे टू डे ऑपरेशन से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल रिजर्व है जो साल में एक आधी बार होता है, या चार साल में, पांच साल में, दस साल में एक बार होता है। रोज तो एसेट्स नहीं बेचते हो, साल में एक आधी बार बेचोगे साल में, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ वो उठाकर आप कहाँ डालोगे, कैपिटल रिजर्व में, रादर देन इन योर रेवेन्यू रिजर्व। क्योंकि रोज मैं एसेट्स नहीं बेचती हूँ, साल में एक आधी बार मुश्किल से, दो साल में, चार साल में। प्रॉफिट फ्रॉम री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, या आप जब ट्वेल्थ में आओगे तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। शेयर्स जब हम इशू करते हैं एज अ कंपनी, तो कई बार शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। मान लो वो दस रुपये का शेयर था, पाँच रुपये तो उसने दे दिए, बचे हुए पाँच उसने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो मैं उसके शेयर्स को क्या कर लूँगी, फॉरफिट कर लूँगी। तो जो पाँच रुपये वो ऑलरेडी मुझे दे चुका था, वो पैसा भी मैं अपने पास रखूँगी, मुझे वापस नहीं करना होगा। मेरे लिए तो फायदा हो गया, आपको देखने में लग रहा है पाँच रुपये। जब आप लाखों में शेयर्स इशू कर रहे होते हो तो 5 लाख 10 लाख इतना आपकी जेब में आता है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं कैपिटल रिजर्व, ओके। इन्होंने डिफरेंस दे रखा है बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व, इसको आप रीड कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, इज द वन विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय बैलेंस शीट। दीज रिजर्व आर क्रिएटेड बाय शोइंग द प्रॉफिट एट अ फिगर मच लोअर देन एक्चुअल। जहाँ पे बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नाम की चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रॉफिट्स को रिड्यूस दिखा रखा है आपने। जब प्रॉफिट को रिड्यूस दिखा दिया तो डेफिनेटली जो आपने कम किया जितने से, वो पैसा कहाँ है, वो आपने सीक्रेट रिजर्व में डाला है। एंड बाय शोइंग द एसेट्स एट लोअर फिगर एंड लायबिलिटीज एट अ हायर फिगर, व्हेन सीक्रेट रिजर्व एग्जिस्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म इज मच बेटर देन व्हाट इज डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड इन फॉलोइंग वेज। कैसे, राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। अगर आपने डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा लगा रखा था, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज एडिशन टू एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, आपने किसी एसेट को अंडर वैल्यू कर लिया। बहुत ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है सीक्रेट रिजर्व की, बट सिंपली कि विच इज नॉट एक्चुअली शोन इन द बैलेंस शीट, बट फिर भी वो है हमारी बैलेंस शीट में। आपने प्रॉफिट को रिड्यूस दिखा दिया, एसेट्स की वैल्यू को कम दिखा दिया, लायबिलिटीज को ज्यादा दिखा दिया। इससे जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, दैट इज योर, उससे जो आप अलग से पैसा बचा रहे हो, दैट इज योर सीक्रेट रिजर्व, ओके। मेन जो आपको करना है वो आपको प्रोविजंस और रिजर्व्स करना है। सीक्रेट रिजर्व पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू ऑल, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड अप विद दिस चैप्टर, एंड विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 18, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुमारो, ओके। दैट्स इट, थैंक यू।